हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल हेलो वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग होता क्या है। आज हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग कंपिटिटिव कोडिंग करें कैसे। यूजेस देखे थे कल, उसके अपॉर्चुनिटीज़ देखे थे कि कहाँ कहाँ पर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर फ़ायदा है, कहाँ पर कितने पैसे हैं, सब कुछ। उसी यूजेस में एक था कि कंपिटिटिव कोडिंग हमारे स्किल्स को बढ़ाता है, हमारे लॉजिक्स को बढ़ाता है। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, सारे लैंग्वेज में जो स्किल्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, आप उन पर इम्प्रूव कर सकते हैं। एज़ यूजल जो एल्गोरिथम्स थे, डेटाबेस मैनेजमेंट थे, आपकी उतनी पकड़ अच्छी हो जाएगी, आपके पैकेजेस अच्छे हो जाएंगे, आपको कंपनियां इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा ऑफर कर सकती हैं। और एक सबसे जो हाईलाइटेड पॉइंट है यहाँ पे, फॉर एंजॉयमेंट। यस दोस्तों, एंजॉयमेंट। अकॉर्डिंग टू सर्वे फ्रॉम हैकर अर्थ ने एक सर्वे किया था जिसमें 67.2% पीपल कंपिटिटिव कोडिंग करते हैं इसलिए बिकॉज उन्हें सिर्फ मज़ा आता है। और लिटरली कंपिटिटिव कोडिंग को एक गेम की तरह ट्रीट किया जाता है कि कंपिटिटिव कोडिंग एक गेम है। एक नाउडेज एक प्रोग्राम होता है ICPC, इंटरनेशनल कॉलिगेटिव कॉन्टेस्ट को प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि दुनिया भर के, देश भर के, चाहे वो कितने भी कंट्री, अमेरिका, रशिया, इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब कंट्रीज़ के कॉलेजेस से बच्चे भेजे जाते हैं। एक सारे बच्चे के उसमें कॉम्पिटिशन्स होता है और वो कॉम्पिटिशन्स इतना फेमस, उसमें खाली कैश प्राइजेस आपको 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे होते हैं। क्यों? आखिरकार लोगों को पता है कि ये वो बंदे होते हैं जिनके माइंड्स और लॉजिक सबसे शार्प होते हैं। ना हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को लेकर, कंपिटिटिव कोडिंग का फ़ायदा क्या क्या है वो हम लोग देखते रहेंगे अपने सारे वीडियो लेक्चर्स में। हैकर अर्थ ने एक और सर्वे करवाया था जिसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज चूज़ करने की बात मैंने कही थी कि आपको एक लैंग्वेज पकड़ के आपको उस पर कमांड करनी होगी अच्छे से ताकि आप कंपिटिटिव कोडिंग में आगे बढ़ सकें। अगर आप लोगों ने कोई लैंग्वेज स्टार्ट नहीं किया तो मैं चाहूँगा आप C++ प्रेफर करें, कोई बात नहीं। C++ नहीं आती है, लैंग्वेज नहीं आती, मैं यहाँ बैठा हूँ सिखाने के लिए, मैं सिखाऊँगा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने top 4 लैंग्वेजेज भी सर्च करी हुई हैं तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। top 4 लैंग्वेज C++, सी, जावा, पाइथन। नाउ अब हम लोग आते हैं कि लोग C++ इतना प्रेफर क्यों करते हैं। बिकॉज मैंने कल भी इस बारे में बात करी थी कि C++ असल बेसिकली काफ़ी हाईली मशीन के साथ इंटरेक्ट रहता है, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी आसानी होता है उस लैंग्वेज में कोड करना। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे, यार हमें जो ठीक से C++ भी नहीं आती। कोई बात नहीं, ये मैटर करता ही नहीं है कि आप लोगों को C++ आती है या नहीं आती। मैंने कल भी कहा था, मैं बैठा हूँ एकदम बेसिक से सिखाने के लिए। आप लोग एट द एंड वीडियो ट्यूटोरियल के एंड होते होते तक आप लोग इतनी ज़्यादा मास्टरी हासिल कर लोगे कि आप काफ़ी प्रोफेशनल कोडर की तरह बिहेव करने लगोगे। बिकॉज मेरा मानना है कि थ्योरी जो कोडिंग की है, जो लैंग्वेजेस की है, वो तो आपको 50 यूट्यूबर दे रहे हैं, सब जगह आपको मिल जाएगा उस चीज़ को लेके, वो बड़ी इशू नहीं है। मैटर करता है कि आप कोड लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं इसलिए बैठा हूँ आप लोगों से कोड लिखवाने के लिए। आप लोग कमेंट्स कीजिए अपने कोड, मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस देता जाता हूँ, हमारा प्लान कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। जैसे कि एक वेबसाइट से कोडसेफ, नाउ हम लोग कोडसेफ से क्या करेंगे कि जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ ना कि कोडिंग करने से इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि लोगों की वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग निकलती। ये देखिए ग्लोबल रैंक, ये रहा ग्लोबल रैंक, फर्स्ट रैंक, यूज़र नेम जेनेटी कोरोड कॉलेज फ्रॉम रशिया, नाउ सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे करते करते ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के बच्चों की रैंकिंग निकलती है। इसमें आपका भी नाम आ सकता है, आपको धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने होंगे। हम लोग क्या करेंगे, कोडसेफ में प्रैक्टिस सेक्शन में जाके बिगिनर्स लेवल पे जाएंगे और हम लोग जितने भी क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन, नो विदाउट एनी स्किपिंग। हैकर अर्थ पे प्रैक्टिस सेक्शन होते हैं, हम लोग वहाँ पे भी जाके हम लोग सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। पहले कोड बैंक स्टार्ट ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में, देन फिर धीरे धीरे प्रोग्रामिंग सीखेंगे। जो भी धीरे धीरे दिक्कत आएगी मैं बैठा हूँ, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं कि अब C++ हो गया, अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है। हम लोग C++ को रन करने के लिए कंपाइलर चाहिए होता है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं और वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है जैसे हम लोग इनपुट देते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग कंपाइलर कैसे डाउनलोड करें, आप जिसके पास कौन सा लैपटॉप है, आप किस लैपटॉप के लिए कौन सा कंपाइलर होता है, C++ के लिए कौन सा कंपाइलर होता है, अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें कौन सा कंपाइलर यूज़ करेंगे। डैट्स इट, थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं,
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मतलब मुझे इतना कहा जाए तो मैं खुद दोस्तों को वहाँ से सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दूँ अगर मुझे कंटेंट इतना अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू दोस्तों।